ये पूरे इंडिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है। इसमें क्या है कि एक घंटे में 300 लीटर तेल फिल्टर कर देता। अच्छा, है अच्छा। पहले ये वाले फिल्टर आते थे जी, अब ये आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, ये बिकते नहीं है। अच्छा, तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, इनसे सस्ता है। थोड़ा सा एक मशीन खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, कैसे क्या क्या पॉइंट देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, इस मशीन में सबसे ज्यादा बाजार में कंफ्यूजन है कि ये मशीन कितने रिंग की होनी चाहिए और कितना बड़ा चैम्बर होना चाहिए। अच्छा। इसका ये चैम्बर साइज है जो 22 इंच 21.5 से 22 इंच होना चाहिए, 10 HP में ना, 10 HP में। अच्छा। और इसमें 16 रिंगों पे भी मत जाइए। अच्छा, रिंग पे नहीं जाना, बस इसका और ये चैम्बर की लंबाई 22 इंच होनी चाहिए। अच्छा, रिंग मोटे पतले हो सकते हैं। मतलब क्या होता है पतला और मोटा का? ये प्रेशर रिंग होता है मोटा वाला। अच्छा, जितना मोटा रिंग होगा जल्दी से माल निकलेगा और आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्या बात है। जितने पतले रिंग होंगे वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये जो आपकी 10 HP की मशीन है, इसको नंबर बोलते हैं 95 का नंबर। इसका बोर का जो रिंग का साइज है वो 95 है। इसमें एक वरम चमकता हुआ नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि ये चमक रहा है तो SS का है। अच्छा। और अगर काला है तो MS का है। अच्छा। तो ये भी धांधलेबाजी है जी। मैं आपको MS के और SS का रिंग जो है ना, जो लोग कह रहे हैं वो मैं अंदर दफ्तर में दिखाऊंगा जी। ये सब एक ही मटेरियल है। ये सर कलर छूट रहा। अब ये देखिए, कलर छूट गया, नीचे से व्हाइट निकला है जी। तो इसका मतलब ये SS ही है। अच्छा। और हाई कार्बन हाई स्टील। हाँ, हमने इसका हार्डनेस टेस्टर पे भेजा था, इसका भी 60 है और इसका भी 60। अच्छा, ये दोनों सेम मटेरियल है, सेम कॉस्ट है, बस पब्लिक पर हम पब्लिक को दुविधा में डालते हैं कि ये माल कहीं और से ना। इस मशीन का प्रोडक्शन है जी 40 से 50 किलो एक घंटे में। अच्छा सर, प्राइस की बात करें, मशीन का प्राइस राउंड फिगर। इसका प्राइस जो है हमारा बहुत नॉमिनल है, हम कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं जी। तो ये मशीन हम 1,65,000 की देते हैं। हमारा रेगुलर कस्टमर है तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सही जगह सही समय बड़ा मायने रखता है। और फाइनली मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं भारत के कोने कोने से बेहतरीन बिजनेस आइडियाज आप लोग के बीच लेके आता रहूं। और फाइनली मैं एक नए बिजनेस का तलाश में आ गया हूं गोरखपुर से गाजियाबाद। ये जो गली आप देख रहे हैं पूरा इस तरीके से बिजनेस ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कोयले के खदान से हीरा तलाशा जाता है, ठीक इस गली से मैंने तलाश लिया है। देख सकते हैं प्रीमिनेंट कोल्ड प्रेस, आपको बताते चलो यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और देखते हैं अपने यूपी बिहार में बहुत सारे ऐसी भी जगह देखते होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, और उसमें खास करके जो तेल मिल के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे मैं आपको एक ऐसे फैक्ट्री पर विजिट करा रहा हूं जहां पे ये करीब 40 साल पुराना है और यहां पे लोग 40 साल से काम कर रहे हैं। यहां पे देखिए कोल्ड प्रेस का अनेकों मॉडल देखने को मिलेगा, और इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे कुछ सीखने को मिलेंगे कि जो आज तक पूरी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे ऑनर से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप फैक्ट्री लगाएंगे, किस तरीके से बिजनेस करेंगे, अपने आप में एक स्टैंड। दोस्तों चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ का ऑनर जो 40 साल पुराना इनका फर्म है और यहाँ से काम कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या हाल चाल? नमस्कार भाई साहब। और सर मैं चाहूंगा सबसे पहले यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और अपने फर्म का क्या नाम। जी देखिए, मेरी फर्म का नाम है प्रीमिनेंट मशीनरी जी, और 278-279 मुकंद नगर गाजियाबाद में स्थित है शोरूम। यही हम ट्रायल वगैरह अपनी कोल्ड प्रेस वगैरह की देते हैं और यहीं से सेल पॉइंट है जी। हमारा जो गोडाउन है वो लाल कुएं पे है। क्या बात है। वैसे पता चला कि 40 साल पुराना आपका फैक्ट्री। जी हाँ, मैं 1980 से ये काम कर रहा हूँ, और पहले हम पुरानी मशीनें बनाते थे जो गाजियाबाद में बहुत बनती थी। अब वो थोड़ा सा नया जमाना है तो नए बच्चे नए मॉडल मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर नए मॉडल पे हम आ गए हैं, और उस बारे में जो नई नई मशीनें आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो में 40 साल का तजुर्बा जो रहेगा हमारे भाई बंधु लोग को देखने को। जरूर सर, जरूर।
और इसके बारे में मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कि लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। अच्छा, इस मशीन सर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्लांट में चल के देखा जाए कौन से मॉडल की मशीन है, जरूर किस तरीके से वर्क करना है। थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो हमारे नए भाई बंधु रहेंगे बिजनेस करेंगे तो कैसे स्टैंड लेंगे, कितना पूंजी, सारा कुछ क्लियर। जरूर सर, जरूर। देखिए सबसे पहले हमने ये मशीनें बनाई थी जो पूरे भारतवर्ष में गाजियाबाद में सबसे ज्यादा बनती थी। बड़ा हैवी दिख रहा था। इसको बोल्ट वाली मशीन बोलते थे। अच्छा, तो आजकल ये मशीन हैवी होने के कारण, प्रोडक्शन कम होने के कारण ये इतनी डिमांड नहीं आ रही जितनी कोल्ड प्रेस की डिमांड। इसका डिमांड कम हो गया? इसका डिमांड बहुत कम हो गया। कॉस्टली भी रहा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली है और वजन बहुत ज्यादा है। कितना कॉस्ट रहा होगा इसका? इसका कॉस्ट जो है ना जी, ये 2,30,000 के करीब है। ये 9 वोल्ट का मशीन। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अब इसके बराबर की प्रोडक्शन की छोटी मशीनें आ गई है, वो ज्यादा चल। क्या बात है दोस्तों, देख सकते प्लांट में इनके अनेकों तरीकों से जी। देखिए कोल्ड प्रेस मशीन देखने को मिले, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है, कैसे क्या है? अब ये जो मशीन है जी, ये 10 HP की है जी। इसकी प्रोडक्शन 130 किलो एक घंटे में रहती है। अच्छा, और वो जो मैंने 9 वोल्ट दिखाई उसकी 100 किलो रहती अच्छा। है। अच्छा, तो ये छोटी मशीन 10 HP, उस पे 20 HP की मोटर चाहिए। अच्छा, और इस पे? इस पे 10 HP की चाहिए, प्रोडक्शन दुगनी। क्या बात है। तो ये किस कंपनी का आप लोग यूज करते हैं? हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स का देते हैं मोटर साहब। तो सर बताइए कि थोड़ा सा एक मशीन खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, कैसे क्या क्या पॉइंट देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर। देखिए इस मशीन में सबसे ज्यादा बाजार में कंफ्यूजन है कि ये मशीन कितने रिंग की होनी चाहिए और कितना बड़ा चैम्बर होना चाहिए। इसका ये चैम्बर साइज है जो 22 इंच, 21.5 से 22 इंच होना चाहिए 10 HP में। 10 HP में। अच्छा, और इसमें 16 रिंग होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये इसमें मशीन छोटी भी आ रही है जिसका चैम्बर थोड़ा सा छोटा है साइज। अच्छा, तो वो भी वो 10 HP में बेच देते हैं जी। इसी मशीन को 15 HP की कह के भी बेच देते हैं। अच्छा, तो ये धांधलेबाजी चल रही है। अच्छा, असल में इस मशीन का वजन है 610 किलो मोटर लगा के। अच्छा अच्छा, तो आप वजन पे जाइए, पार्टी से पूछिए 610 किलो की मशीन कौन सी है। रिंगों पे भी मत जाइए। अच्छा, रिंग पे नहीं जाना, बस इसका और चैम्बर, चैम्बर की लंबाई 22 इंच होनी चाहिए। अच्छा, रिंग मोटे पतले हो सकते हैं। अच्छा, उस पे नहीं जाना है आप। अच्छा, जो मोटा और पतला है, कोई पतला है कोई थोड़ा सा जो पतला मोटा रिंग होगा वो जल्दी घिसेगा, मोटा रिंग कम घिसेगा। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है पतला और मोटा का? ये प्रेशर रिंग होता है मोटा वाला। अच्छा, जितना मोटा रिंग होगा जल्दी से माल निकलेगा और आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्या बात है। जितने पतले रिंग होंगे वो प्रोडक्शन कम हो जाए। जी जी बिल्कुल। ये जो आपकी 10 HP की मशीन है, इसको नंबर बोलते हैं 95 का नंबर। इसका बोर का जो रिंग का साइज है वो 95 है। क्या बात है। ठीक है जी, इसलिए 95 बोलते हैं। लोग बाग इसमें भी कम बोर ज्यादा बोर की कह के और 10 HP में बेच देते हैं, वो हमारे यहाँ धांधलेबाजी नहीं चलती। देखिए 40 साल का एक्सपीरियंस है कि आपको देखिए सारा कुछ काउंट करवाया जा रहा है, वैसे बहुत डीपली जानकारी हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी मशीनें जो है ये सब 10 HP की है। 10 HP की सारा कुछ आपको देखने। ये मशीन आपको ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ये 80 नंबर मशीन है। 80 नंबर कुछ लोग नहीं समझ पाए। जी हाँ, 80 नंबर की ये मशीन है। इसकी प्रोडक्शन 80 किलो एक घंटे में। क्या बात। ठीक है जी, इसका वजन होगा 350 किलो मोटर समेत। अच्छा, लोग बाग छोटी मशीन में दिखाऊंगा उसका वजन है 250 किलो, उसकी प्रोडक्शन है 40 किलो और उसको इस रेट में बेच देते हैं 80 वाली के रेट। अब कस्टमर को इतना ज्ञान है नहीं। जी जी। और इसका चैम्बर 17 इंच के करीब होना चाहिए। अच्छा, 17 इंच का, मतलब ये चैम्बर में मायने रखता है HP मोटर। जी हाँ, इसमें 7.5 की मोटर लगी। इसका बोर और क्या है? इसका बोर 80 है, 80 बोर। और ये हेलिकल गियर है क्या? ये सब इसके गियर बॉक्स ये होता है। अच्छा, इस गियर बॉक्स के अंदर स्पर गियर होते हैं, हेलिकल नहीं होते। अच्छा, ठीक है जी। ठीक, तो मेरे पास सारे मॉडल है। अब आइए इस पे, ये 15 HP का मॉडल है जी। ये इसका चैम्बर साइज होना चाहिए 26। अच्छा, 15 HP 26 और रिंग होने चाहिए 19 होने चाहिए। अब इसमें वो लोग कहते हैं कि मैं 25 रिंग वाली दे रहा हूँ। 25 रिंग का मतलब है कि ये जो प्रेशर रिंग है ना मोटे वाले। अच्छा, ये पतले कर देंगे वो। अच्छा, तो वो 25 रिंग हो जाएंगे जी, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगी। अच्छा अच्छा, जितने ये प्रेशर रिंग ज्यादा होंगे। अच्छा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, तो चैम्बर साइज होना चाहिए 26 15। अच्छा, में
लोग बाग 22 इंच वाली को 15 एचपी कह के बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये हेरा फेरी चल रही है बजार, छोटे छोटे पॉइंट नोट करना, छोटे छोटे पॉइंट है जी। आइए अब मैं आपको सबसे छोटी मशीन दिखा रहा हूँ, मशीन है आपके सामने चल रही है। ये सर सिंगल फेस पे चल जाता होगा ना? ये सिंगल फेस पे भी चल जाता है, थ्री फेस पे भी चल जाता है। अच्छा, ठीक है जी। अब इसमें आप देखिए, ये देखिए माल चल रहा है इधर जी जी, इसमें एक वर्म चमकता हुआ नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि ये चमक रहा है तो SS का है। अच्छा, और अगर काला है तो MS का है। अच्छा, तो ये भी धांधलेबाजी है जी। मैं आपको MS के और SS का रिंग जो है ना, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं अंदर दफ्तर में दिखाऊंगा जी। ये सब एक ही मटेरियल है, सिर्फ लोग एक दूसरे को बदला रहे हैं कि मेरी मशीन में कच्चा रिंग डला हुआ और आप में पक्का रिंग डला हुआ। उसमें क्या है कि वो इसलिए कहते हैं, मान लीजिए कच्चे मशीन की रिंग वो बोल रहे हैं सस्ती है जी, ठीक है जी। सस्ती मशीन कोई ना ले, आपको अगर मैं कहूँ ये मशीन गड़बड़ है आप नहीं लेंगे। अच्छा, और मैं कहूँगा ये मशीन सुपर है, SS रिंग है, SS वर्म है, तो आप लेंगे जी। जाए जो नया रहेगा उसको क्या पता है, अब कस्टमर अनजान है, वो कहेगा यार नरम लोहे वाली मैं क्यों लूं जी। वो बाजार में भी जाएगा तो उसके दिल में शक रहेगा कि यार ये नरम लोहा हो सकता है। पहले से क्लियर कर दे सर, जो बता रहे हैं SS और MS का। हाँ, इसका फंडा पहले क्लियर हम आपको ना एक नई चीज दिखाना चाह रहे हैं जो कि कस्टमर के दिमाग में लोगों ने भर दिया है कि ये कच्चे वर्म है और ये पक्के वर्म है, या ये SS है और ये MS है जी। तो अब आपके सामने ये दो तरह का माल पड़ा है। सबसे पहले इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है? इसको वर्म बोलते हैं और ये रिंग, इसको रिंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, ठीक है जी। और ऐसी ये वर्म है, ये रिंग है। अब ये देखिए दोनों का कलर अलग अलग है जी, ठीक है जी। ये टेम्पर्ड माल है इसलिए कलर अलग अलग हुआ हुआ है, ये काले में है, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर में है जी। अब ये देखिए हैं दोनों सेम ही मटेरियल। अच्छा, ठीक है जी। अब मैं आपको ना इसको रगड़ के दिखाऊंगा जी। ये देखिए ये होने जा रहा है पर्दाफाश, ये देखिए पर्दाफाश होने जा रहा है। ये रेती है मेरे हाथ में और ये देखिए देखिए सर कलर छूट रहा। अब ये देखिए कलर छूट गया, नीचे से व्हाइट निकला है, तो इसका मतलब ये SS ही है। अच्छा, और हाई कार्बन हाई स्टील वाला माल है। अच्छा, अब ये देखिए दूसरा पीस है, ये देखिए ये भी कलर कैसा है, जब मैं रेती लगाऊंगा तो ये देखिए कैसा निकल के आएगा नीचे से। देखते रहिए आप लोग, देखिए आपको। अब ये देखिए ये और ये मटेरियल सेम है। अच्छा, सिर्फ टेम्पर में फर्क है। अच्छा, और माल दोनों हार्ड है जी। एक बात बताइए, कोई कंपनी वाला कच्चा माल डाल के क्या अपना बेइज्जती करवाएगा क्या? नहीं, जो प्रॉपर काम करेगा वो तो नहीं करवाएगा। जो अच्छी फर्म होगी अच्छा माल देगी। ये लोग बाग ही कहते हैं कि ये कच्चा है ये पक्का है जी। या ये पक्का है ये कच्चा है दोनों एक ही मटेरियल। हाँ, इसकी ना हमने आगे हार्डनेस भी टेस्ट करा ली है। अच्छा, हमने चेक कराया था हार्डनेस। हाँ, हमने इसका हार्डनेस टेस्टर पे भेजा था, इसका भी 60 है और इसका भी 60। अच्छा, हार्डनेस है। अच्छा, इसका 45 है, इसका 50 है। अच्छा, तो इनमें कोई फर्क नहीं है। वैसे मार्केट में कॉस्टली कौन आता, ये वाला था कि ये वाला था? ये दोनों सेम मटेरियल है, सेम कॉस्ट है, बस पब्लिक पर हम पब्लिक को दुविधा में डालते हैं कि ये माल कहीं और से ना ले, हमसे ले। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो प्रॉफिट दोनों में सेम है जी, पर वो कहता है कि ये कच्चा माल है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो पार्टी क्यों लेगी कच्चा माल? वो तो यही लेगी जिसमें उसने प्रॉफिट जोड़ रखा है जी। तो कभी भी कस्टमर को गलत मत बताओ, हमें इतना एक्सपीरियंस है, हम हर चीज के बारे में जानते हैं। इस वजह से ही हमने ये वीडियो बनाई है कि पब्लिक सतर्क रहे, किसी की बातों में ना आए जी। और माल अगर वो कहता है कच्चा है तो उसे कहो ठीक है भाई कच्चा है तो मुझे यही वाली मशीन दो ना जी जी, और उसके साथ मुझे एक सेट रिंग का भी दे दो कच्चा वाला जी, तो उसका तो फायदा हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं हर कस्टमर कच्चा वाला जो बोलता है उसे कहो भैया वही मशीन दो हमें जी जी, हम नहीं लेते पक्की वाली तेरी जी, तो अपने आप वो रस्ते पे आ जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कितना बेहतरीन तरीके से आपको ये सर से मिल रहा है, दिखाइए तो डालिए सर, अंदर डालिए। देखिए छोटी मशीन है और घरेलू पर्पज से आप लोग यूज कर सकते हैं, घर पे आराम से यूज कर सकते हैं। डालिए, कितना बेहतरीन तरीके डाला जा रहा है। सरसों को वैसे बेसिकली हम लोग साफ नहीं किया गया, लेकिन अगर यही
साफ करते तो और अच्छा थोड़ा आता, लेकिन एक डेमो मुझे दिखाना था जिससे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे देखिए तेल कितना अच्छा आ रहा है, आप भी देखिए अब तेल के देखिए कितना अच्छा तेल आ रहा है, कितना तेजी से धार आ रहा है। और इसे कहेंगे ना कि भाई तेल की दरिया बहेगी, तेल की समुद्र की नदियां बहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बड़ा तगड़ा है। जब हैवी मशीन लेंगे तो और भी तगड़ा आने वाला है। देखिए ये इस मशीन का प्रोडक्शन है जी 40 से 50 किलो एक घंटे में। अच्छा सर, प्राइस की बात करें, मशीन का प्राइस राउंड फिगर? इसका प्राइस जो है हमारा बहुत नॉमिनल है, हम कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं जी। तो ये मशीन हम 1,65,000 की देते हैं, 1,65,000। कस्टमर थोड़ा सा जैसे हमारा रेगुलर कस्टमर है तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा ये वन टाइम में फाइनल करेगा कि इसको दो बार करना पड़ेगा? देखिए 90% तेल तो ये फर्स्ट टाइम में दे देता है। अच्छा। पर कस्टमर जो आता है ना वो कहता है नहीं एक बार और डालो कि आपका तेल रह गया हो जी जी। पर दूसरी बार में 100 किलो में से सिर्फ 1.5 किलो तेल निकले। अच्छा, 90% पहले फाइनल, 90% एक ही बार में फाइनल हो। क्या बात है, बाकी खल थोड़ा आपको दिखा दो। अब आप खल देखिए कितनी बढ़िया खल निकाल रही है, खल देखिए पूरा। जब दूसरी बार करेंगे इस तरह पापड़ आपको पूरा देखने को मिलेगा, कितना बेहतरीन तरीके से खल भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं खल दिखा रहा हूँ, कितना बेहतरीन तरीके से खल होने वाला है। सर बात करते जो इसका रेशियो कितना रहता है, करीब अगर 1 क्विंटल सरसों लेते तो कितना तेल निकल के आ जाएगा? देखिए सरसों के ऊपर भी डिपेंड है जी। अगर आप राजस्थान की सरसों लेते हैं तो वो 38-40 किलो तक भी तेल दे देती है। ये हमारी यूपी की सरसों है, इसमें हमारा 33 से 34% तेल निकलता है। अच्छा राजस्थान अच्छा रहता है क्या सरसों? राजस्थान भरतपुर का सरसों सबसे बड़ी। क्या बात, देखिए आपको एक चीज जानकारी मिली। बाकी देखिए यहाँ बाकी आप इसमें सरसों का निकालिए, नारियल का निकालिए, तिल का निकालिए, कॉटन सीड का निकालिए, कोई भी दाना हो जिसमें तिल तेल हो हाँ। वो इसमें से तेल, मूंगफली सूरजमुखी सारा कुछ, मूंगफली भी निकाल। स्पेयर पार्ट भी हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, इधर भी पड़े हैं जी, इधर भी पड़े हैं, सारा स्पेयर पार्ट दे देंगे। कितना ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आपको एक नई चीज और दिखाना चाह रहा हूँ, ये है ऑयल फिल्टर जी। ये पूरे इंडिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात, इसमें क्या है कि 1 घंटे में 300 लीटर तेल फिल्टर कर देता है। अच्छा अच्छा, पहले ये वाले फिल्टर आते थे जी, अब ये आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, ये बिकते नहीं है। अच्छा, तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, इनसे सस्ता है और 5 लीटर कम से कम तेल साफ कर देता है। अच्छा, मैक्सिमम 300 लीटर एक घंटे जी, मिनिमम 5 लीटर। क्या बात, इसमें टाइमर लगा हुआ है, टाइम सेट कर दिया जाता है। अच्छा, और तेल मोटर अपने आप रुक जाती है और फ्रेश तेल नीचे आ जाता है। ये भी घरेलू लाइट से चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, ये सिंगल फेज पे भी और 3 फेज पे सब पे चल। अच्छा एक बात जानना चाहूंगा, आपके यहाँ टोटली कितने मॉडल के, कितने एचपी से कितने एचपी तक के कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन? देखिए सबसे पहले 5 एचपी, फिर 7.5, फिर 10, फिर 15, उसके बाद 20, 25, 30 तक तो हमारे पास अवेलेबल है। 30 एचपी तक। उसके बाद जैसे कोई मिल वाला 40 या 50 एचपी की मांगता है तो फिर हम ऑर्डर पे ले आते हैं जी। तो ऑर्डर पे ही बनाते हैं जब वो एडवांस दे देगा जी। बिल्कुल, तो उसके बाद हमारे पास 30 एचपी तक हमारे पास। कोई मशीन आपके यहाँ से लेके जाता है गारंटी वारंटी क्या रहती है? सर देखिए मोटर क्रॉम्पटन की लगती है, 1 साल की गारंटी, मशीन में हमारी पूरी 1 साल की गारंटी रहेगी। आपका कोई तेल ना दे, हमारा मिस्त्री जाएगा आपको मशीन चालू करके तेल निकाल के देगा। अगर कोई टूट फूट अगर आपसे होती है, मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा चला जाता है, कुछ टूट फूट होती है, तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते जी। उसमें फिर चार्जेस देके कोई रिंग टूट जाए तो साल बाद सिर्फ लास्ट का रिंग जिसमें मैक्सिमम दबाव पड़ता है वो वर्म और 2-3 रिंग के पीस बदले जाते हैं, जिसका खर्चा 7-8 हजार के करीब बड़ी मशीन का आता है, 3-4 हजार रुपए छोटी मशीन का आ जाता है बस। इससे ऊपर कोई मेंटेनेंस रिपेयर नहीं। सर्विस किस तरीके से होने वाली है? सर्विस इसमें सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर भेजते हैं? इंस्टॉलेशन के लिए ये मशीनों में सब में फाउंडेशन लगे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ वहाँ जाके 4 बोल्ट गाड़ने और मशीन चालू कर देने। बाकी डेमो के लिए अगर कोई, हाँ डेमो हम यहाँ पार्टी को बुलाते हैं, उसके सामने ट्रायल दे के तब डिस्पैच करते हैं। कोई एडवांस हमें नहीं चाहिए, जब मशीन आपकी सक्सेस हो जाए आपकी तसल्ली हो जाए तब ले जाइए। ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ तक? ट्रांसपोर्ट हमारी यहाँ से जा रहा है जी, केरला तक माल जा रहा है, इधर बिहार जा रहा है, MP जा रहा है, पंजाब जा रहा है, ऑल इंडिया कैसे? ऑल इंडिया सप्लाई है। कुछ भाई नेपाल साइड से भी माल जोड़ते हैं? नेपाल में भी जा रहा है हमारा जी।
तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने जितना संभव हो सका आपको एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश की। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मैंने पहले आपको बताया था कि सही बिजनेस के लिए सही जगह चुनाव करना बड़ा मायने रखता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते तो ये जगह आपके लिए काफी परफेक्ट होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बिजनेस करने का 40 साल का तजुर्बा भी मिलने वाला है। चलिए इसी तरीके से फिर से मिलेंगे एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।